तो गाइज इस बार रसोमीनिया 39 में एक बार फिर से स्टीव ऑस्टिन देखने को मिल सकते हैं। इनके मैच को लेकर WWE काफी चर्चे में है कि इनका किससे फाइट किया जाए। गाइज गुंथर भी गजब के रेसलर माने जाते हैं। आखिर इस तरह कौन मजाक करता, आप देख सकते हैं किस तरह वाइफ से अपने मजाक किया है गुंथर ने। गुंथर ने अपनी पत्नी को बोला कि अगली रात तुम कितने समय तक हमारे साथ बेड पर थी, और उसी पर उनके वाइफ ने रिप्लाई दिया कि कितने समय तक थी। गाइज इस बार रॉयल रंबल का तो नया नया रिकॉर्ड बनते ही जा रहा है। जैसा कि हमने आपको अगले वीडियो में बताया था कि रॉयल रंबल सबसे ज्यादा देखने वाला हिस्ट्री का शो था। पूरे WWE हिस्ट्री का सबसे ज्यादा देखने वाला शो 2023 का था रॉयल रंबल। गाइज वीर महान भी काफी एक्साइटेड है रॉम रेज और ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए, लेकिन WWE का अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। अभी NXT के रेसलर है। गाइज वीर महान ने भी ट्वीट किया था कि एक दिन ब्रॉक लेसनर और रॉम रेज को जरूर हराऊंगा और उस टाइटल को अपने इंडिया लेकर आऊंगा। और गाइज इंडिया के काफी फैंस भी एक्साइटेड है इस मैच को देखने के लिए। फिर उसके बाद आते हैं अगले अपडेट के बारे में। गाइज हल्क होगन ने पॉल हेमन से बताया कि सेमी उसी की जगह पे वे लेना चाहते हैं ब्लड लाइन में। हल्क होगन भी काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी वे रेसलिंग करना चाहते हैं। गाइज इस बार रसोमीनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल सकता है, जिसमें गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वर्सेस सेमस के बीच में। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में। लिव मॉर्गन रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा समय तक टिकने वाली रेसलर बन चुकी है, और उनका एक रिकॉर्ड और है सबसे कम समय तक रॉयल रंबल में टिकने का। गाइज इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को बटिस्टा देखने को मिल सकते हैं। बटिस्टा क्रॉस फिंगर दिखाकर बताते हैं कि गेट रेडी फॉर मीट। गाइज माउंटेड फोर्ड एक सीरीज बना रहे हैं जिसका नाम है होलो सीरीज, उनके साथ उनकी वाइफ भी बना रहे हैं जो इस हफ्ते दिखाई देने वाली नहीं है मंडे नाइट रॉ में। गाइज उसके बाद कोडी रोड, जिसे हम अमेरिकन नाइटमैन के नाम से जानते हैं। कोडी रोड का मानना है कि इस बार रसोमीनिया में टाइटल जीतेंगे तो उनका ईगल विंग वाला होगा, और वही उनका सेम टैटू आप उनके गर्दन पे भी देख सकते हैं। गाइज ये रेसलर भी काफी अच्छे मजाक करते हैं। ब्रॉक लेसनर ने बताया कि उनका ड्रेस किसी ने चुरा लिया है, और वो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिन ही है। जब सेथ रॉलिन से पूछा गया तो सेथ रॉलिन ने बताया कि ब्रॉक लेसनर बिजी थे इसलिए हमने उनका ड्रेस पहन लिया। गाइज ये रहे WWE से रिलेटेड कुछ नए अपडेट जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।